चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकलता है। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पर प्राइस क्या रहता है, प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यह आप रेवेन्यू चैप्टर में देख चुके हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए, आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, प्राइस से मैंने प्राइस लिया 10, ठीक है जी। तो अगर प्राइस 10 लिया तो टोटल रेवेन्यू 10, 20, 30, 40, 50। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो पे तो जीरो होगा, तो 10, फिर चेंज है 10, 10, 10, 10। वैसे आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल्स टू एआर होता है, और वो किसके इक्वल होता है, एमआर के। गुड। नाउ अब मैं आपके सामने देता हूं मार्जिनल कॉस्ट। बड़े आराम से रिलैक्स होकर सारी चीजों को देखिए और ऑब्जर्व करिए। 12, 10, 9, 10, 12। ध्यान से देखें, एमसी का मुझे नेचर ध्यान रखना है। एमसी पहले फॉल करता है और फिर क्या करता है, यहां तक फॉल कर रहा है फिर क्या करता है, राइज। तो एमसी लिखते हुए बातें आपको ध्यान रखनी है कि एमसी शुड फॉल फर्स्ट एंड देयर आफ्टर इट शुड राइज। नाउ सी, एमआर इज इक्वल टू एमसी सेकेंड पॉइंट पर भी है और फोर्थ पॉइंट पर भी है। एमसी जो एमआर के इक्वल है वो सेकेंड पर भी है और फोर्थ पे भी है, बट द डिफरेंस इज कि यहां पर जैसे ही आप नेक्स्ट उस पे आए, एमआर बड़ा हो गया किससे, एमसी से, बट यहां पर एमसी बड़ा है किससे, एमआर से। दोनों पर प्राइमरी कंडीशन आपकी दो जगह सेटिस्फाई हो रही है। कहां कहां पर प्राइमरी कंडीशन, दैट इज एमसी इज इक्वल्स टू एमआर इज सेटिस्फाइड बोथ एट सेकेंड एंड फोर्थ यूनिट, यस ऑर नो, बट द सेकेंडरी कंडीशन, बट द सेकेंडरी कंडीशन दैट इज एमसी गेट्स बिकम एमआर ग्रेटर देन एमआर एज मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इज सेटिस्फाइड ओनली एट फोर्थ यूनिट। देयरफोर प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट, एट फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट, आउटपुट के फोर्थ यूनिट पे वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है जी। नाउ अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये डायग्रामेटिकली किस तरीके से बनता है, बड़े आराम से। वाई एक्स आउटपुट कॉस्ट रेवेन्यू, ध्यान से देखिए, आपको पता है दिस इज प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, याद होगा, एंड इट इज योर एम सी विच इज यू शेप। नाउ अगेन इन दिस डायग्राम वो दो पॉइंट्स पर इक्वल है, एक के पर और एक ई पर, बट इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, ई पर आएगा। क्यों आएगा ई पर, क्योंकि जैसे ही आप एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, एमसी बड़ा हो जाना चाहिए किससे, एमआर से। ध्यान से देखिए, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर बोथ एट पॉइंट के एंड ई। एमसी एमआर के इक्वल है दोनों पॉइंट्स पर, के पे और ई पे भी, बट एमसी बिकम्स ग्रेटर देन एमआर, जिसको हम डायग्रामेटिकली कई बार बोल देते हैं एमसी कट्स MR from below, इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे भी बोल देते हैं, is satisfied at point E only, है ना। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा कौन से पॉइंट पर आएगा, E पॉइंट पर। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात सिखाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। देखो ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, यहां इक्वल हुए,
इसके बाद अगर आप देखो कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम हो रही है कम है बट रेवेन्यू ज्यादा है यहां तक। बट इस पॉइंट के बाद आप देखो कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है सारा का सारा, अब ये देख रहे होंगे ये जो आपको एरिया सारा का सारा दिख रहा है, इस सारे के सारे एरिया को जो आप देख रहे हैं, इस एरिया के अंदर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कम है और मार्जिनल रेवेन्यू आपके ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है। अच्छा अगर आपको मेरी थोड़ी सी बातें याद हों, मैंने आपको तो पहले सिखाई थी, कॉस्ट इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट्स। हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं कि कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट्स तो आते ही हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा जो बता रहा हूं, कॉस्ट में जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स तो आते ही हैं, मतलब ये जो कॉस्ट की लाइन जा रही है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये जो कॉस्ट की लाइन जा रही है, इस कॉस्ट की लाइन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स तो इंक्लूड है, ठीक है। अब कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है और रेवेन्यू उससे भी ज्यादा है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ये सारा का सारा एरिया आपके लिए क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट, समझो, क्योंकि देखो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट तो जो है वो आपकी कॉस्ट वाली लाइन में इंक्लूड है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कॉस्ट इंक्लूड नॉर्मल प्रॉफिट, बट क्या मुझे इस रीजन के अंदर जो मैंने शेड किया है मुझे सिर्फ कॉस्ट मिल रहा है या उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है? सर उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है, तो रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है कॉस्ट कम है और कॉस्ट में ही नॉर्मल प्रॉफिट है, कॉस्ट में क्या है नॉर्मल प्रॉफिट, कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है और जो पैसा मिल रहा है उससे भी ज्यादा, मतलब वही वाली बात, 10 रुपए कितने का दूंगा, 10 का, 10 में मैं रोजी रोटी चल जाएगी, 10 का बेचूंगा, बट मेरे को तो 15 रुपए मिल गया, तो 5 जो एक्स्ट्रा मिल गया वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। गॉट इट? तो दिस शेडेड रीजन इज नथिंग बट द एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया था, मेन आपको ध्यान रखना है कि दैट दिस शेडेड रीजन इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, और नहीं भी ध्यान रहता कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के पर्पज से बताया है, मेन आपको इक्विलिब्रियम देखना है कि के और ई में इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, पॉइंट ई पर। तो दिस इज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डिसाइड होता है। फटाफट इसको एक बार नोट डाउन करिए।